जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि आप सभी में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर डीआरडीओ एमपीएस का एग्जाम कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं डीआरडीओ की तरफ से लगभग एक साल हो चुका है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ही समय तक प्रिपरेशन कर पाते हैं, उनके घर वालों का प्रेशर रहता है या फिर उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव सोच रहे होंगे कि कहीं ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत जानना आवश्यक है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, और ये बहुत ही सीरियस मामला है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीआरडीओ ने क्यों जारी नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया है, आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम का शेड्यूल किस प्रकार से है, और ये भी आप सभी जानते हैं कि 40 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लेकिन कितने एक्सेप्ट किए गए हैं ये अभी कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया गया है। आपका एग्ज़ाम इस साल होगा नहीं होगा, आपको ये ज़्यादातर आपके मन में विचार आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, और आप सभी यदि किसी और अदर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप उसका एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। यदि आपका एग्ज़ाम 2022 से पहले है उसका, तो आप उसकी कंटिन्यू तैयारी कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है वो 2022 में होने वाला है डीआरडीओ एमपीएस का। और ये भी आप सभी जानना चाहते होंगे कि 2022 में आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी डिटेल बताऊँगा आप सभी को, कंटिन्यू रखना है आप सभी को। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, और आपकी जो वैकेंसी है, एक तो एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, वही एक आपका यूपीएससीआई का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका नंबर आने वाला है डीआरडीओ एमपीएस का। क्यों आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये सबसे लास्ट में आपका जाएगा। और आप सभी को पता है एसएससी के जो एग्जाम है वो आपका एसएससी एमटीएस का चल रहा है, जो कि आपका 9 नवंबर तक होगा आपका एग्जाम, उसके दो दिन बाद, तुरंत ही दो दिन बाद आपका एग्जाम चलेगा। किस चीज़ का एग्जाम चलेगा, एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा उसका 11 नवंबर से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चलने वाला है, और वो आपका कब तक चलेगा, 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि 11 से लेकर के आपने 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, ये आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सभी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड या ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम आपके कराए जाते हैं जब ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आपका फिर आप सभी देख पा रहे होंगे 15 दिसंबर के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा यूपीएससीआई का। 17 दिसंबर से आपका यूपीएससीआई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और वो आपके लगभग 10 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 20 से 22 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो 17 दिसंबर से लेकर के आपका 10 जनवरी तक आपका यूपीएससीआई का एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी भी इसे जानना चाहते होंगे कि डीआरडीओ एमटीएस का कब होगा, तो फ्रेंड्स अब आपका लग जाएगा 2022, और 2022 में 12 जनवरी से लेकर के आपका 9 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल के अनुसार 9 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। कितने से लेकर के 12 जनवरी से लेकर के आपका 9 फरवरी तक, तो 9 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार उस चुनाव को कराने में लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर आपका जो एग्ज़ाम है लगभग मेरे हिसाब से 100% जो है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 12 जनवरी से पहले आपका कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, 2022 में ही आपका ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप सभी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे बार बार, तो फ्रेंड्स आप कमेंट ज़्यादातर ना कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आप सभी को तुरंत अवगत करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी किसी भी अदर पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप उसकी निरंतर तैयारी कीजिए। यदि आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काम भी आपके लिए बहुत ही उचित है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम में खाली प्रिपरेशन करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ परिवारों की जो स्थितियाँ हैं वो सही नहीं है, और आप सभी जानते हैं कोविड की वजह से बहुत सारी परिस्थितियाँ परिवार को झेलनी पड़ी हैं। तो आप सभी इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए,
तो फ्रेंड्स जो भी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी होगा तो तुरंत आपको अवगत करा दिया जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए आप सभी प्रेस करके, जिससे कि आपको तुरंत ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यही सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सभी के सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाया हूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।